अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल माय एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 13, जो कि बेसिकली था हमारा कैश बुक का चैप्टर। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 13.2A, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 13.1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था सवाल बेसिकली टू कॉलम कैश बुक का। और 13.2A भी जो क्वेश्चन है आपका, वो भी टू कॉलम कैश बुक का ही सवाल है आपकी फ्रैंकफर्ट बुक का, क्योंकि ये 13.2A सीरीज का सवाल है, तो ये आपके बुक के पीछे इसके आंसर्स गिवन नहीं होंगे एज यूजुअल, तो इसलिए ये सवाल भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आपका 13.3 वगैरह है, उसमें आपके एक नया कॉलम होगा, यानी थ्री कॉलम कैश बुक होगा, वो उसमें आपका एक कॉलम ऐड हो जाएगा डिस्काउंट का, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये पिछले से ही सवाल बिल्कुल मिलता जुलता है, बस इसकी एंट्रीज वगैरह अलग हैं। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कोई नई अगर एंट्री इसमें आती है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह पिछले सवाल की तरह इसमें भी हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है, जिसमें आपके सबसे पहले हेडिंग, अगर जिसको जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको ये बता देता हूँ कि आपके सबसे पहले जो है एक हेडिंग आएगी कैश बुक की, जिसके कॉर्नर पे आपके लिखा हुआ होता है पेज नंबर, क्योंकि आपकी कैश बुक जो है एक से ज़्यादा पेज की होती है तो आप पेज नंबर मेंशन करते हैं। और उसी के साथ अगले उसमें आपके पास यहाँ पर डेट्स होती हैं, डेट्स यानी कौन से महीने की आप बना रहे हैं। अगर एक ही महीने की है तो मैंने जिस तरह से आप नवंबर के नीचे सारे ये कॉलम्स लगाए हैं, तो आप भी लगा सकते हैं कि ये सेम ही रिपीट होगा। और उसके यहाँ पर आप साल मेंशन करते हैं, जैसे यहाँ पर 20X9 लिखा हुआ है, यानी ये 2009 भी हो सकता है, 2019 भी हो सकता है, 2029 भी हो सकता है, इसलिए बीच में एक्स लगाया हुआ है। इसके बाद आपके पास एक कॉलम यहाँ पे कैश का है, एक कॉलम बैंक का है, इसी वजह से इसको बोलते हैं टू कॉलम कैश बुक। इसमें कैश की एंट्रीज और बैंक की एंट्रीज के जरिए हम देखते हैं, और एंड में इसका टोटल निकालेंगे बैलेंस शीट की तरह। दोनों साइड अगर इक्वल आ जाते हैं तो यानी कैश बुक बिल्कुल इक्वल सही चल रही है। सो सवाल शुरू करते हैं। सवाल क्या कहता है कि राइट अप अ टू कॉलम कैश बुक फॉर अ सेकंड हैंड बुक शॉप फ्रॉम द फॉलोइंग। कोई सेकंड हैंड बुक शॉप है जिसके लिए हमारे को जो है टू कॉलम कैश बुक बनाना है। तो नवंबर की एंट्रीज हैं ये, तो पहले 1 नवंबर से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट मंथ कैश 295 पाउंड, बैंक 4240 पाउंड। तो ये क्या कह रहा है कि ना लास्ट मंथ का जो बैलेंस है वो यहाँ पे हम लाए गए हैं इस महीने में, नवंबर के महीने में, जो कि कैश और बैंक हमारे को दिया हुआ है, यानी अक्टूबर के महीने का कुछ जो रिमेनिंग, जो हम एंड में आपने देखा होगा पिछले सवाल में हमने बैलेंस कैरीड डाउन निकाला था बैलेंस CD करके, तो ये वही वाले की बात हो रही है जो अगले महीने आपका जो है ओपनिंग बैलेंस बनता है, जिसको आप बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन भी कहते हैं। तो ये वही वाला बैलेंस दिया हुआ है पिछले महीने का, तो हम इसको यहाँ पे किस तरह मेंशन करेंगे, हम यहाँ पे इसको पहली एंट्री में यहाँ पर लिख देंगे 1 करके, और इस पर लिख देंगे बैलेंस BD, ठीक है। और अमाउंट कितनी, कैश हमारे पास 295 है और बैंक हमारे पास 4240। अब अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हमने ये डेबिट वाले साइड पे क्यों लिखी है, क्रेडिट वाले साइड पे क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये हम जो है कैश और बैंक जो है डेबिट इन नेचर होते हैं। आपने देखा होगा क्लोजिंग जब भी हमने पहले निकाली है, तो कैश और बैंक की क्लोजिंग जो होती है हमेशा राइट हैंड साइड पे निकलती है, यानी बैलेंस जो हमेशा कम आता है जब हम टोटल निकाल रहे होते हैं वो राइट हैंड साइड पे आता है। तो हम जो है वहाँ पर बैलेंस करते हैं कैरी डाउन लिख कर के, हमें अगले महीने उसको ब्रॉड डाउन करना होता है। तो इस वजह से हमेशा आपका, अगर आपको पिछले सवाल याद है तो हमने बैलेंस इस साइड पे लिखा था क्रेडिट वाले साइड पे, तो हमेशा जो है ना कैश बैंक वगैरह का जो आपका बैलेंस होता है वो कैरी डाउन वो हमेशा क्रेडिट वाले साइड पे निकलता है, जो कि आप अगले जब आपकी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है, जब आपका अगले महीने का आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो वो उसके अपोजिट साइड पे लिखा जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे डेबिट में लिखा गया है। और अगर हम दूसरी एंट्री पे चले हैं तो वो कहता है कि कैश सेल्स 310 पाउंड। तो हमने कैश सेल्स किए, यानी हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ है, हमने कोई चीज़ बेची है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख कर यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ सेल्स, ये सेल्स के ज़रिए हमारे पास आए हैं 310 पाउंड, ठीक है। उसी के साथ हम एंट्री नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 3rd नवंबर है। टुक 200 पाउंड आउट ऑफ द कैश टिल एंड पेड इट इनटू द बैंक। अच्छा, अब मैंने आपको एक एंट्री बताई थी जो कि काउंटर एंट्रीज कहलाती हैं, जिसमें क्या होता है कि आपकी एक ही सिंगल एंट्री में दो अकाउंट्स में आपकी चेंज आ रहा होता है, कैश में भी और बैंक में भी। ये वही वाली एंट्री है कि हमने कैश जो है 200 पाउंड निकाले और बैंक में जमा करा दिए, यानी हमारे पास बैंक में पैसे इंक्रीज हुए हैं और कैश में पैसे डिक्रीज हुए हैं, तो कैश क्रेडिट होगा बैंक डेबिट होगा। तो ऐसी एंट्रीज को कहते हैं कॉन्ट्रा। और उसमें आपको मैंने कहा था कि पहले एंट्री से आप जो है
यहाँ पे एक सिंबल लगाएंगे जो ये शो करेगा कि आप कॉन्ट्रा एंट्री लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारा जो डेबिट हो रहा है वो बैंक हो रहा है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे बैंक को मेंशन कर दूंगा और कॉन्ट्रा एंट्री का यहाँ पे साइन लगा रहेगा। और बैंक की अमाउंट कितनी है, 200 पाउंड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। और सेम इसी तरह जो है मैं इधर भी वाला साइन पहले लगा लेता हूँ। मैं पहले साइन इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, तो जब मैं अगर बाद में लगाऊंगा तो वो कॉपी पेस्ट नहीं होता है ये साइन, तो इस वजह से ये मसला क्रिएट करेगा। तो कैश हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ये भी 200 पाउंड होगा जो कि क्रेडिट हुआ है। ठीक है, इसी के साथ अगली एंट्री पे बढ़ते हैं जो कि है 4 नवंबर की। एफ बेल पेड अस बाय चेक 194 पाउंड। तो एफ बेल ने जो है हमें पे किए हैं 194 पाउंड चेक के जरिए, यानी बैंक में हमारे 194 पाउंड इंक्रीज हुए हैं। हमारा कोई डेप्टर होगा एफ बेल नाम का, उसने हमें पैसे दिए हैं बैंक में 194 पाउंड। तो मैं यहाँ पर उनका नाम मेंशन कर देता हूँ कि एफ बेल ने दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम अगली एंट्री पे बढ़ते हैं जो कि है वी पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स इन कैश 80 पाउंड। हमने कोई पोस्टेज स्टैम्प्स के पैसे दिए हैं जो कि 80 पाउंड हमारा उस पर खर्चा आया था, तो हमारे पास से कैश जो है क्रेडिट हुआ है यानी डिक्रीज हुआ है, हमारे पास से पैसे गए हैं। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे क्रेडिट वाली साइड पे। तो 5 पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्टेज स्टैम्प्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और पैसे कितने, 80 पाउंड कैश, तो 80 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसी के साथ 6 नवंबर की एंट्री है, अबाउट ऑफिस इक्विपमेंट बाय चेक 310 पाउंड। ऑफिस इक्विपमेंट हमने खरीदे हैं चेक के जरिए, तो हमारे बैंक में से 310 पाउंड डिक्रीज हुए हैं यानी क्रेडिट हुए हैं। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऑफिस इक्विपमेंट के लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 7 पे जो कि है वी पेड एल रूट बाय चेक 94 पाउंड। 94 पाउंड चेक के जरिए हमने जो है एल रूट को पैसे दिए हैं, जो कि बेसिकली हमने उसको पैसे दिए हैं तो माजी में हमने जो है पहले उससे कोई क्रेडिट पे सामान लिया होगा, वो हमारा क्रेडिटर था तो हमने उसको पैसे चुका दिए हैं। तो मैं यहाँ पे उनका नाम लिख देता हूँ। उसके बाद 9 नवंबर को अगर हम चलें तो वो कहता है कि रिसीव्ड बिजनेस रेट्स रिफंड बाय चेक 115 पाउंड। तो हमने कोई बिजनेस रेट्स का हमें रिफंड मिला है, चेक मिला है 115 पाउंड का, तो हमारे पास बैंक में पैसे इंक्रीज हुए हैं। और हम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 9 हमें मिले हैं बिजनेस रेट्स। ठीक है, अब इसी के साथ अगले पे चलते हैं 11th को। तो 11th को क्या हुआ है, withdrew 150 पाउंड फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस यूज के लिए हमने जो है 150 पाउंड निकाले हैं बैंक में से। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि उसने बैंक से 150 पाउंड निकाल ली, यानी अब उसके पास वो पैसे कैश में मौजूद हैं, लेकिन वो कैश उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं निकाला है। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है फॉर बिजनेस यूज़, यानी जो उसने 150 पाउंड बैंक में से विड्रॉ किए हैं वो अपने बिजनेस में ही लगाएगा। तो ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, हालांकि इसमें कैश का जिक्र नहीं है, लेकिन ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। इसमें भी आपके दोनों साइड पर लिखा जाएगा बिकॉज 150 आपके बैंक में से डिडक्ट हुए हैं और कैश में आपके 150 इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि वो बिजनेस में ही लगने वाले हैं पैसे। अगर वो अपने पर्सनल अकाउंट अपना पर्सनल यूज़ के लिए लेता तो हम उसको मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो हूँ वो साइन कॉपी कर लेता हूँ जो कि मसला करेगा वरना बाद में। ठीक है, और उसके बाद मैं एंट्री लिखूंगा जो कि है हमारी 11। और हमारे पास यहाँ पे पैसे इंक्रीज कहाँ हुए हैं, यहाँ पे कैश पे इंक्रीज हुए हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बैंक के जरिए इंक्रीज हुए हैं। और कितने इंक्रीज हुए हैं, 150। तो 150 यहाँ पे कैश हमारे पास बढ़ा है। और अब यहाँ पर अगर मैं वापसी से वो साइन जो है 11 कॉपी कर देता हूँ और 11 डेट डाल के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश। ठीक है, और कैश के बाद यहाँ पर 150 मैं बैंक में से डिडक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमने विड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद अगर अगली एंट्री पे चलते हैं जो कि है 12th एंट्री, पेड वेजेस इन कैश 400 पाउंड। हमने कोई वेजेस पे किए हैं 400 पाउंड कैश के जरिए, तो हमारे पास कैश में से 400 कट हो गए। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हमने वेजेस पे कर दिए हैं। ठीक है, उसके साथ अगली एंट्री है 13, कैश सेल्स 430 पाउंड। ये बिल्कुल ऊपर वाली की तरह एंट्री है, सिंपल इसमें
हम जो है 13 मेंशन करके सेल्स मेंशन कर देंगे कि हमने सेल्स किए हैं जिसके ज़रिए हमारे को पैसे मिले हैं, और वो पैसे हैं 430 pounds जो कि यहाँ पे डेबिट हुए हैं। 14 नवंबर की ट्रांजेक्शन है पेड मोटर एक्सपेंसेस बाय चेक 81 pounds। हमने मोटर एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो मैं यहाँ पे मोटर एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। और कितने पैसे दिए हैं चेक के ज़रिए 81 pounds, तो 81 pounds यहाँ से हमारे डिडक्ट हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद 16 नवंबर कहता है जे बुल लेंट अस 1500 pounds इन कैश। जे बुल ने हमें लोन दिया है 1500 pounds का कैश में, तो हमारे पास पैसे आए हैं, तो मैं 1500 कैश में लिख देता हूँ, और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ हमारे क्रेडिटर का जिसको हमें बाद में पैसे देने होंगे, जे बुल, ठीक है। और अगर आप चाहें तो जे बुल के आगे, जैसे मैंने आपको बताया था इसे 13.1 में, कि आप यहाँ पे लोन भी आगे लिख सकते हैं अगर वो आपका क्रेडिटर है और अभी आपने उससे पैसे लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद 20 को आप है के ब्राउन पेड अस बाय चेक 174 pounds। के ब्राउन ने हमें पे किए हैं 174 pounds, तो हमारे पास 174 pounds चेक के ज़रिए आए हैं, तो मैं यहाँ पर 174 pounds लिख लेता हूँ। और यहाँ पर जो है हम मेंशन कर देते हैं उनका नाम जो कि है के ब्राउन, जो कि हमारे क्रेडिटर हैं, ठीक है। के ब्राउन पेड अस बाय चेक 174 pounds। के ब्राउन हमारे कोई डेप्टर होंगे जिन्होंने पैसे हमसे लिए होंगे, तो उन्होंने हमें पैसे पे किए हैं। 28 की एंट्री कहती है वी पेड जनरल एक्सपेंसेस इन कैश 35 pounds। हमने कुछ जनरल एक्सपेंसेस पे किए हैं 35 pounds, तो हमने जनरल एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो हमारे पास से पैसे डिडक्ट हुए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल एक्सपेंसेस 35 pounds कैश डिक्रीज। उसके बाद हमारी आखिरी एंट्री है जो कि है 30 पेड इंश्योरेंस बाय चेक 320 pounds। तो हमने यहाँ पे कोई इंश्योरेंस पे कर दिया है 320 pounds का, तो हम यहाँ पे 320 pounds सबसे पहले चेक में डिक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमने इंश्योरेंस भर दिया है, तो इस वजह से हमारे बैंक में से पैसे कट गए, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इसको सबको टोटल करना है और देखना है किस तरफ हमारा पैसे कम आ रहे हैं। तो हमेशा वैसे भी कैश और बैंक का जो होता है, मैंने आपको जैसे बताया क्रेडिट वाली साइड ही कम आती है, तो ये यहाँ पे हमें फिर देखना पड़ेगा कि हमें कितना बैलेंस लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेता हूँ सम का, कि यहाँ पे हमारे पास कितना बना है। तो हमारे पास जो कैश वाली साइड आई है वो आई है 2685 pounds, और अगर मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे सम लगाता हूँ तो ये आया है 4923 pounds बैंक का। अब दूसरे साइड पे देखते हैं कितना आता है और हमें कितना बैलेंस करने की ज़रूरत है जो कि हमें अगले महीने कवर करना होगा, 715 ओनली। और उसके बाद अगर हम दूसरी साइड देखें तो दूसरी साइड में हमारे पास आया है 955 pounds। तो ये काफ़ी कम है, हमें मतलब बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ आखिरी एंट्री बैलेंस सी बाई डी, तो ये वो वाली बैलेंस है जो मैं आपको बात कर रहा था शुरू में, जो हमें अगले महीने हम लिखते हैं कि हम कवर करेंगे, तो मैं इसको पूरा भी लिख दूँ बैलेंस सी बाय डी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं कि हमें कितना बैलेंस लगाने की ज़रूरत है, तो हमारा 2685 बन जाए 2685। तो मैं अगर यहाँ पे 1900 लगाता हूँ तो फिर भी कम है, 1960 ये होगा हमारा 1970 pounds, ठीक है। 1970 pounds हमारा ये हो गया कैश का बैलेंस, और अब हमारे को बैंक का बैलेंस करना है जो कि है 3950, थोड़ा सा कम है 3968। तो ये हमारा 4923 pounds बैंक का भी हो गया, यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है कैश का आया 1970, बैंक का आया 3968, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सवाल कंप्लीट होता है 13.2A। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो मैं आपको एक दफा ओवरव्यू दिखा देता हूँ क्वेश्चन का। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था 13.2A2 कॉलम कैश बुक कहलाता है ये आपका, और ये इसका हमने पूरा सॉल्व किया है जिसका टोटल हम एंड में निकाल चुके हैं और बैलेंस भी हमने बता दिया है। और अगली बार इसी तरह अगले महीने में यानी दिसंबर के महीने में इसी तरह बैलेंस बी बाय डी करके ये उस तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।